अमरपाटन क्षेत्र में इन दिनों जमकर नशे का कारोबार फैल रहा है। नशे के विरुद्ध पुलिस भी अभियान चला रही है, जिसके तहत आज अमरपाटन थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दरअसल अमरपाटन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मैहर की ओर से रीवा की ओर लग्जरी कार से दो लोग नशीला कफ सिरप लेकर आ रहे हैं। तत्काल थाना प्रभारी ने पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल और SDOP शिव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में टीम गठित कर नेशनल हाईवे से ग्राम कटहा के पास घेराबंदी कर इनोवा कार को धर दबोचा। इस दौरान एक आरोपी मौके से फरार हो गया, मगर एक आरोपी को पुलिस पकड़ने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 14 पेटी नशीले कफ सिरप सहित 15 लाख की लग्जरी इनोवा कार भी जब्त की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के अलग अलग क्षेत्रों में खपाने के लिए कोरेक्स की खेप लाई जा रही थी। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, आगे और भी खुलासे होने की संभावना है। सुनिए SP मैहर सुधीर अग्रवाल ने क्या बताया। सर, एक कार्रवाई हुई है, कोरेक्स की एक आरोपी पकड़ा है, क्या मामला है? कल अमरपाटन थाने को रात्रि में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति जो है कार में कोरेक्स जो नशीला सिरप होता है उसको लेकर के जा रहे हैं। इस पर सूचना पर से इनके द्वारा घेराबंदी की गई, और जब घेराबंदी की गई तो वो वहाँ से भागा और फिर इसका पीछा करके इन्होंने और आगे फिर अगले पॉइंट्स पे पुनः घेराबंदी की, और उसके पश्चात एक इनोवा गाड़ी में करीब 14 पेटी और नेक्स सिरप की, जिसमें हर पेटी में 120 cc 100 ml की होती हैं, वो प्राप्त हुई हैं। मैं गाड़ी के और एक आरोपी उसमें से गिरफ्तार हो गया है, रजनीश कुशवाहा, एक आरोपी उसमें से भाग गया है। दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और गाड़ी को और मैक अप सिरप के जब्त कर लिया गया है। सर, किसी सरगने के भी खुलासा हो पाया इनके द्वारा? अभी हम इस बारे में पड़ताल कर रहे हैं कि ये कैसे और कहां से इनको सामान प्राप्त होता है, और जैसे ही इस संबंध में जानकारी पुख्ता होगी तो कार्रवाई करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि न केवल मैहर जिला बल्कि पूरे रीवा जोन में हमारे IG सर श्री सिकरवार सर और DIG सर पांडे सर के नेतृत्व में ये नशे के विरुद्ध युद्ध एक चल रहा है। इसी अनुक्रम में ये कार्रवाई लगातार जारी है, और हम लोगों का ये प्रयास है कि क्षेत्र को नशे के प्रभाव से दुष्प्रभाव से हम बचा सकें, और इसी अनुक्रम में सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। थैंक यू सर।